आज मैं आपको नैक के वेटेजेस के बारे में बताऊंगा। नैक पीयर टीम जब कॉलेज को विजिट करती है तो किस तरह से ग्रेडिंग देती है, आज हम उसको समझेंगे। क्राइटेरिया एंड की एस्पेक्ट्स, वेटेजेस। क्राइटेरिया वन, क्यूरिकुलर एस्पेक्ट्स। अगर कॉलेज क्यूरिकुलर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन को प्रूव कर पाता है तो उसके वेटेजेस होती है 20 मार्क्स। अगर नैक पीयर टीम उस कॉलेज को पहले क्यूरिकुलम प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन के अंदर पॉइंट्स देती है, जैसे कि नैक पीयर टीम आपको पॉइंट देगी 0, 1, 2, 3 और 4। अगर नैक पीयर टीम सेटिस्फाई होती है आपके क्यूरिकुलम प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन के से, तो वो आपको पॉइंट देगी 1, 2, 3, 4 और 0। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने आपको पॉइंट दिए 3, उसकी वेटेज है 20, तो 20 × 3 = 60। एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी अगर कॉलेज प्रूव कर पाता है तो उसकी वेटेज है 30। नैक पीयर टीम ने आपको पॉइंट दिए 0, 1, 2, 3, 4 में से दो नंबर, 2 पॉइंट, 2 की एस्पेक्ट्स, 2 ग्रेड पॉइंट, तो आपकी 30 × 2 = 60। क्यूरिकुलर एनरिचमेंट 30, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती है नैक पीयर टीम, आपको क्यूरिकुलर एनरिचमेंट आपके कॉलेज में कोई भी नहीं है तो आपको 0 मार्क्स मिले, तो आपको 30 × 0 = 0। फीडबैक सिस्टम मींस कॉलेज के अंदर कोई भी फीडबैक सिस्टम नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे 0। अगर फीडबैक सिस्टम है तो आपको मार्क्स मिलेंगे 1। आपने बहुत अच्छा फीडबैक सिस्टम बनाया हुआ है, आपको मार्क्स मिले 2। अगर फीडबैक सिस्टम बनाने के बाद उस फीडबैक सिस्टम में बहुत अच्छा काम हुआ, इंप्लीमेंटेशन हुआ है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे 3। और बहुत ही अच्छा फीडबैक सिस्टम आप प्रूव कर पाते हैं नैक पीयर टीम को कि हमारा फीडबैक सिस्टम बहुत अच्छा है, हम स्टूडेंट से, अपने उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से, एलुमनाई से और स्टेक होल्डर्स से, एजुकेशनिस्ट से, सोशल लोगों से फीडबैक लेते हैं। और अगर आप ये चीज प्रूव कर पाते हैं नैक पीयर टीम को तो आपको फीडबैक सिस्टम में मार्क्स मिलेंगे 4, तो आपकी वेटेज चली जाएगी 20 × 4 = 80 मार्क्स। मगर यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें गया फीडबैक सिस्टम में 20 × 2 = 40 मार्क्स, दैट मींस आपको जो टोटल नंबर मिले 160। और इसको CGPA फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 160/100, दैट मींस जो आपको नंबर मिले 160, वो जो टोटल इसकी वेटेज थी 100, आपका हो गया 1.6। लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल की वेटेज है 30। नेक्स्ट पीयर टीम जब आपको विजिट करेगी आपके कॉलेज में, देखेगी कि स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल कैसा है, तो वो आपको मार्क्स देगी। मैं फिर से एक बार फिर बता रहा हूं, वो आपको मार्क्स देगी 0, 1, 2, 3, 4 में से। आप उनके पास एक पेपर और पेन रहेगा, 3 मेंबर्स वो होंगे, उनके पास एक पेपर और पेन रहेगा, तो वो उस समय आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल के मार्क्स दे देगी आपका रिकॉर्ड देखकर, 0, 1, 2, 3 या 4। जितने भी नंबर वो आपको देगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से, तो आ गया 90। उसी तरह से कैटरिंग टू द स्टूडेंट डाइवर्सिटी नीड 50, अगर उसमें 0 नंबर मिले तो 0। टीचिंग लर्निंग एंड प्रोसेस 100 मार्क, 100 वेटेज, उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये 3 और फिर आ गया 300। टीचर क्वालिटी, कि आपके टीचर्स की क्वालिटी क्या है उसको देखते हुए 80 × 3 = 240। इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स 50 × 200। स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम 40 × 3 = 120। ये मार्क्स एक एग्जांपल देके यहां समझाए गए हैं कि कॉलेज में 0, 1, 2, 3, 4 में से कितने मार्क्स आप ले सकते हैं। उसके बाद 120। क्राइटेरियन थर्ड, रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन। इसके अंदर पॉइंट आते हैं हमारे पास ये, उनकी वेटेजेस बनती है ये और मार्क्स ये मिलते हैं, तो हमारे पास आते हैं 240। पिछले वाले क्राइटेरियन, क्राइटेरियन नंबर 2 के अंदर हमें मिले 2.43 मार्क्स, दैट मीन 850 / 350, 2.43। उसी तरह से हमारे पास क्राइटेरियन थर्ड, नेक्स्ट क्राइटेरियन, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज,
नेक्स्ट, हाँ ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज में हमारे पास ये वेटेजेस, ये हमें मार्क्स मिले 210। नेक्स्ट स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, स्टूडेंट मॉनिटरिंग सपोर्ट हमें मिले 290 मार्क्स, 2.90। नेक्स्ट क्राइटेरियन 6 गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट हमें मिले 180 मार्क्स। नेक्स्ट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस हमें मिले 1.7। दैट मीन्स अब देखिए ये CGPA फार्मूला कैसे ग्रेडिंग बताता है, हमें यहां पर मिले टोटल अभी तक वेटेजेस को जो नैक क्लियर टीम ने नंबर दिए वेटेजेस से मल्टीप्लाई करने के बाद 2250। अब आया इंस्टीट्यूशनल CGPA 2250 डिवाइड बाय 1000, दैट मीन्स नैक क्लियर टीम जो आपको ग्रेडिंग देगी, जो आपका नैक ग्रेड निकलेगा, दैट इज 2.25। नैक ग्रेडिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाली और वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा कि नैक की ग्रेडिंग आप इजीली कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आने वाली वीडियोस में मैं लेके आऊंगा कि स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल में आपको क्या करना चाहिए, क्यूरिकुलम मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए, फीडबैक सिस्टम में आपके पास क्या होना चाहिए, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी आप नैक पीएड टीम को कैसे प्रूव करेंगे, क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, क्राइटेरियन 1 से लेकर क्राइटेरियन 2 से लेकर क्राइटेरियन 7 तक आप लोगों को अपने अपने कॉलेजेस में किस तरह की क्वालिटी एनरिचमेंट करनी चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू।